फ्रेंड नमस्ते, मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड पैशन। सो आज का जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उनके लिए जो बिगिनियर है या फिर उन्हें बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं ब्लाउज को बनवाते वक्त। एक्चुअली ये वीडियो मेरे माइंड में जब मैं अपने ब्लाउज में कुछ ठीक कर रही थी उस वक्त आई कि मे बी ये प्रॉब्लम किसी और को भी होती है। सो या विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स गेट स्टार्ट। अगर किसी को ये ब्लाउज पसंद आ रहा है सो दिस इज माई DIY ब्लाउज। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो का लिंक आपको मैं ऐड स्क्रीन में पेस्ट कर दूंगी, आप देख लेना। इसके पहले ही मैंने शेयर किया है। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है ना, बहुतों की ये प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा प्लस साइज भी रहते हैं एंड जो बहुत ज़्यादा लीन भी रहते हैं, कि जब भी आप ब्लाउजेस बनवाते हो आर्म्स के नीचे एक बहुत ही गंदा सा झोल आता है। नाउ ये झोल किस किस प्रॉब्लम की वजह से आता है, अगर आप टेलर के पास स्टिचिंग के लिए आ रहे हो एंड आपका जो कपड़ा है बहुत मोटा है, सपोज सिल्क का है, ब्रोकेट का है या कोई भी ऐसा मोटा कपड़ा है, तो उन्हें आप बोले कि वो जो अंडर आर्म्स के पास में है वो बहुत ज़्यादा कपड़ा जो है मार्जिन के लिए ना छोड़े। जब कपड़ा बहुत ज़्यादा भी रहता है तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा कि जब आर्म होल की कटिंग बहुत अच्छे से नहीं होती तब भी आपको इस तरह का झोल देखने को मिलता है। जब भी आप कोई मोटा कपड़ा बनवाते हो तो इन दो टिप्स का आप ध्यान रखो। एंड अगर आप खुद से स्टिचिंग करते हो, सपोज आप बिगिनियर हो, खुद से स्टिचिंग कर रहे हो, तो इस टिप को ट्राई करना कि कोई भी ब्लाउज या कुर्ता आपके पास है जो आपको बिल्कुल फिट होता है, मींस अच्छा होता है, उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। सपोज अगर आप स्लीवलेस सिलना चाहते हो, ये सिर्फ मैं बिगिनियर के लिए बता रही हूँ, एंड खुद से आप सिलते हो अगर तो आप उस कुर्ती को रख के एग्जैक्टली वैसा ही मार्क करो तो वो बिल्कुल आपकी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दूसरा कि अगर आप कोई फुल स्लीव का सिल रहे हो तो सपो आप कोशिश करो कि फुल स्लीव का ही आप कोई ब्लाउज या फिर कुर्ती लो, जिससे आपको एक एग्जैक्टली एक आइडिया मिल जाए। देखो ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है, जब भी मैं कटिंग एंड स्टिचिंग करती हूँ तो इस टिप को फॉलो करती हूँ, तो इस टिप को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन ब्लाउज प्रॉब्लम, बहुतों को डीप नेक के ब्लाउजेज या फिर सेक्सी ब्लाउजेज पहनना बहुत पसंद है, बट क्या होता है कि लीन होने की वजह से जो बहुत दुबले पतले रहते हैं एंड बहुत बड़े बड़े गले अगर आप सिलवा लेते हो तो वो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मान है कि आप डीप नेक के साथ जाओ तो आप इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हो। आप डेप्थ में जो है उसको आप कम रखो, आपको सब कुछ मैं समझा रही हूँ स्क्रीन पे कि आप डेप्थ में उसको कम रखो, बट जो कटिंग होती है ना, जो विथ होती है ब्लाउज की, उसको आप जैसे जनरली हम क्या करते हैं 3 लेते हैं या फिर 2.5 लेते हैं, सब अपने अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, बट आप क्या कर सकते हो यहाँ पे 4.5 या 5 इंच आप लो जो विथ है, एंड जो गला का डेप्थ है ना वो आप कम रखो। इससे एक बहुत ही ब्रॉड डीप नेक का इल्यूशन आता है, बट जो शोल्डर है उसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। एंड दूसरा कि जब भी आप डीप नेक के ब्लाउजेज आप स्टिच करवाते हो या फिर कस्टमाइज करते हो अपने लिए, तो आप जैसे अभी मैंने ये ब्लाउज पहन के रखा है तो देखो गला बिल्कुल हमारा एक शोल्डर स्लोप होता है, तो हम जब बहुत अच्छे से कटिंग नहीं भी करते हैं ना तब भी ये प्रॉब्लम होती है। बहुत डीप नेक के ब्लाउजेस पहनना पसंद है तो आप बहुत ज़्यादा डेप्थ वाइज उसको ना कट करके आप विथ वाइज उसे ब्रॉड में कट करें, जिसको डेफिनेटली आप इस टिप को ट्राई कर सकते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दूसरा बहुत ही कॉमन है कि आपके पास ऑलरेडी कोई ब्लाउज है जिसका गला बहुत डीप है तो आप उसमें एक डोरी लगा दें। अगर आप डोरी आपको पसंद नहीं है, बहुत लोगों को डोरी नहीं पसंद होती है, तो आप डोरी नहीं लगाना चाहते हो, तो अपना जो ब्लाउज का आपका गला है उसका मेजरमेंट का कोई भी लेस या फिर किसी भी तरह की पट्टी बना के आप लगा सकते हो। इससे भी आपके जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम होती है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट, मैंने खुद अपनी बहुत गलतियों से सीखा है। बहुत बार पहले मैं क्या किया करती थी, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता था कि कपड़े का क्या है, किसी भी तरह का कपड़ा लगा दूंगी, चाहे लाइनिंग हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैंने रियलाइज करा कि नहीं, ये बात गलत है, ये जो मेरी सोच है वो गलत है। सबसे बड़ा नो मैं बोलूँगी कि जब भी आप नेट का या फिर कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट ब्लाउज बनवा रहे हो जो बहुत ही सी थ्रू है एंड आपको पता है कि इसमें अगर आप पतली क्वालिटी का लाइनिंग लगाओगे तो सिर्फ आप उसे साड़ी के साथ में ही यूज कर पाओगे, बट दिस इज नॉट अ वाइज डिसीजन। वाई? क्योंकि जब हम कोई ब्लाउज बनवाते हैं तो हर एरिया टू एरिया डिफर होता है स्टिचिंग चार्जेस, बट कितना भी कम हो तो 500 हम एक ब्लाउज के लिए पे करते हैं, तो 500 अगर आप किसी ब्लाउज के लिए पे कर रहे हो एंड आप 40 रुपीज और अगर उसमें इन्वेस्ट करते हो एक अच्छी क्वालिटी की लाइनिंग में, तो आप उसे मल्टीपल वे में स्टाइल कर सकते हो। ये जो मेरा ब्लाउज है, ये ना जाने मैंने कितनी बार कितनी तरीके से मैं पहन सकती थी, बट मैं इसको नहीं पहन पाती हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सी थ्रू है एंड इसकी लाइनिंग बहुत ही गंदी क्वालिटी की, मतलब मैंने लगा दी थी 2 पैसे बचाने के चक्कर में, बट आपको ऐसा नहीं करना।
अगर आप कोई भी ट्रांसपेरेंट ब्लाउज बना रहे हो तो उसमें आपको एक मोटी अच्छी क्वालिटी का आपको लाइनिंग यूज करना है। सपोज अगर नेट है तो आप कॉटन सैंटून के साथ जा सकते हो, या फिर कोई अच्छी ग्लेस कॉटन जिसमें अच्छे से साइन होती है उसके साथ जा सकते हो, ताकि आप उसे मल्टीपल वे में स्टाइल कर पाओ। तो एक कॉमन सा ब्लाउज प्रॉब्लम है, बट एक बार अगर हम ये करते हैं ना तो बहुत पछताते हैं, खास करके कुछ ऐसे ब्लाउजेस के साथ जो बहुत ही वर्सेटाइल। कॉमन ब्लाउज प्रॉब्लम ये मुझे ऐसा लगता है कि जो स्लीवलेस ब्लाउजेस होते हैं, जब हम स्लीवलेस ब्लाउजेस पहनते हैं ना, नो डाउट स्लीवलेस ब्लाउजेस रहते हैं आपकी, आपको जहां ग्रेसफुल दिखाते हैं वही आपको सेक्सी भी दिखाते हैं। दिस टोटली डिपेंड्स कि आप उसको कैसे स्टाइल करते हो, बट स्लीवलेस ब्लाउजेस के साथ में हम हमेशा ये गलती करते हैं, या तो हम स्लीवलेस जो है इतना ब्रॉड स्लीव रखवाते हैं, या फिर जो स्लीवलेस है उसकी जो स्ट्रैप रहती है ना वो बहुत अजीब सी रहती है। तो जब भी आप स्लीवलेस ब्लाउजेस स्पेशली कस्टमाइज करवा रहे हो, आप कोशिश करो कि जो उसका स्ट्रैप है 2 इंच से ज़्यादा ना हो। अगर आप 2 इंच में कंफर्टेबल हो तो ज़्यादा से ज्यादा आप 2.5 इंच रख सकते हो, नॉट मोर देन दैट। अगर हम स्लीवलेस ब्लाउजेस का जो स्ट्रैप है ना बहुत चौड़ा रखते हैं तो वो बहुत ही आई फील लाइक कि वो वेस्ट की तरह दिखने लगता है। जो वुमेन्स टी शर्ट होते हैं या फिर जो बनियान में बोल उस तरह का लुक देते हैं, तो ये बिल्कुल आपने नहीं करना। जो स्ट्रैप है उसको आपने 2 इंच या फिर 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है। ये दोनों पिक्चर को आप कंपेयर कर सकते हो कि दोनों पिक्चर को में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, बट एक ये बहुत ही ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। इस स्टेप को आप ट्राई करो जब भी आप स्लीवलेस ब्लाउज अपने लिए बनवा। बस बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दीदी हम बहुत मोटे हैं एंड हमारे आर्म्स जो है मोटे ना होते हुए भी, मतलब उनकी जो बॉडी टाइप है उससे ज़्यादा हेवी उनके आर्म्स है, हम फुल स्लीव पहनना चाहते हैं, बट वी आर वेरी कॉन्शियस कि फुल स्लीव पहनने से हमारे जो आर्म्स है वो और भी ज़्यादा मोटे लगेंगे। बट सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि एक्सेप्ट द वे यू आर, अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करो, बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी चॉइस कि आप उसको बदल सकते हो ना। कपड़े नहीं है कि आप अपनी बॉडी को बदल लोगे, ये सब काफ़ी हद तक एक्सरसाइज से बहुत सारी चीजें करके उसके उसको आप मीन्स अपने मुताबिक ला सकते हो, बट आपकी बॉडी जो है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप मोटे हो, कितने भी मोटे हो, आपके आर्म्स कितने भी फैट है, आप इस स्टेप को ट्राई करना, आप बिंदास हो कि फुल स्लीव पहनो कोई पंगा नहीं है। बस आपको एक टिप को ट्राई करना है कि जब भी आप फुल स्लीव के ब्लाउजेज पहनते हो तो आप बिजी प्रिंट को चूज करो, लाइक कुछ ऐसे प्रिंट को चूज करो ना जिससे आंखें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती है। मैंने बहुत बार अपनी वीडियोज में बताया है, तो प्रिंट का बिजनेस जैसे बांगनी प्रिंट, लहरिया प्रिंट, इतना खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग प्रिंट है। तो यही करना है, आप डिजिटल प्रिंट के साथ जा सकते हो, आप कुछ ऐसे प्रिंट को चूज कर सकते हो जो बहुत बिजी हो, या फिर आप डिजिटल प्रिंट को नहीं चूज करना चाहते हो, जो लंबी लंबी लाइनें जाती है, वर्टिकल लाइन, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं चूज करना है, आपको वर्टिकल लाइन चूज करना है, तो इससे भी आपकी जो आर्म्स फैट है ना वो कम लगेगी। नेक्स्ट की जब भी आप सॉलिड कलर पहनना चाहते हो, मतलब एक ही कलर आपको चाहिए, किसी भी तरह का प्रिंट नहीं चाहिए, मतलब आप कुछ भी लाइनिंग वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना चाहते हो, तो आप डार्क कलर के साथ जाओ। आप देखना बहुत हद तक आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना सॉल्व हो जाएगी। आपने विद्या बालन का एक इंटरव्यू देखा है कि नहीं, आई डोंट नो। सबसे पहले जब विद्या बालन इस इंडस्ट्री में आई थी, उन्हें हमेशा ऐसा फील होता था कि दैट सारी इज अ वेरी आउटडेटेड आउटफिट, बट सून उन्होंने रियलाइज करा कि सारी एंड सूट में वो कंफर्टेबल फील करती है, वो सुंदर फील करती है हर एक आउटफिट से, तो वो अब उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया है। तो आपको कभी दूसरों को देख के खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद का एक स्टेटमेंट स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। आपको बहुत जल्दी मैं एक बहुत अच्छी वीडियो दूंगी कि आप अपना सिग्नेचर स्टाइल कैसे बिल्ड कर सकते हो। मॉडल नेक्स्ट वेरी कॉमन ब्लाउज प्रॉब्लम, ये बहुत कॉमन तो नहीं बोलूंगी, बट आई स्टिल फील कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आजकल इस तरह के इन्वर्टेड वी जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बट हमारी सोसाइटी की एक मेंटल, बहुत बड़ी एक मेंटल प्रॉब्लम है या फिर मेंटालिटी इशू है। ब्लाउज है तो बहुत धका ढुका होना चाहिए, इधर से खुला नहीं होना चाहिए, उधर से खुला नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। बट स्टिल यार सबको मन करता है बहुत सेक्सी दिखने का, कभी कभी कुछ सेक्सी ब्लाउजेस को फ्लॉन्ट करने का। तो एक DM आया था, बहुत मतलब मेरे हाथ को वो बहुत ज़्यादा टच करके इंस्टाग्राम पे, उन्होंने बकायदा मुझे एक पिक्चर भेजी थी कि दीदी मैं इस तरह की ब्लाउजेस को पहनना चाहती हूँ, डियर शालू मैं इस तरह की ब्लाउज को पहनना चाहती हूँ, बट हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है कि मैं इस तरह की ब्लाउज को फ्लॉन्ट कर पाऊँ। आई फील कि सोसाइटी का हम इतना प्रेशर ले लेते हैं ना यार, कि चार लोग क्या बोलेंगे, इसकी वजह से हम जीना छोड़ देते हैं। तो मत सोचो चार लोग क्या बोलेंगे, छोड़ दो ये सारी चीज़ों को, लाइफ एक बार मिली है, सब कुछ करो, सब कुछ जो आपका मन है। सो
ठीक है, मैं आपको मैं समझती हूँ कि हर बंदी बहुत बोल्ड नहीं होती है। तो अगर आप ब्लाउज पहनना चाहते हो, सो आजकल टैजल के आपको डिफरेंट वेरिएशन मिल जाएंगे, लॉन्ग टैजल, शॉर्ट टैजल, मीडियम साइज के टैजल। तो अगर आपका जो बैक है, मतलब जो आपकी पीठ है, वो बहुत ज़्यादा चौड़ी है, तो आप बहुत लंबे लंबे जो फ्रिंजेस होते हैं या फिर बहुत लंबे लंबे जो टैजल होते हैं उसके साथ जाओ। क्यों? क्योंकि ये आपकी बैक का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करेगा। बट अगर आप सिर्फ लेस के साथ नहीं जाना चाहते, सो व्हाट यू कैन डू, आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक स्किन कलर का नेट लो। नेट लेके बैक में आपने उसको अटैच करवाना है, बट ये आपको बहुत ही नपे तुले टेलर से करवाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि उसमें अगर 19-20 का भी फर्क होता ना, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। एंड उसके बाद में आपको टैसल को अटैच करना है, तो इससे आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसे चुटकियों में छू हो जाएगी। तो इस टिप को आप डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। एंड प्लीज़ डियर गर्ल्स एंड वुमेन्स, मैं इतना ही बोलूंगी, खुश रहो। कोई बात नहीं, आप एक डिजाइन नहीं पहन सकती हो, उसकी 10 ऑल्टरनेटिव मैं आपको दे सकती हूँ। ये भी मैंने बहुत बार अपनी गलती से सीखा है, किसी और की गलती से नहीं। मुझे आप देखोगे अगर, तो मैं ज्यादा या तो 3-4 स्लीव पहनती हूँ या फिर स्लीवलेस पहनती हूँ। आई डोंट नो, मेरी ऐसी चॉइस हो गई है। सो मैं पहले क्या करती थी, जो 3/4 रहती थी ना, एग्जैक्टली मैं यहाँ पे खत्म क्या करती थी, तो मुझे हमेशा जब भी मैं इसको फोल्ड करती थी, क्योंकि ये हमारा जॉइंट एरिया होता है, तो मुझे बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। तो आपको ये नहीं करना है कि जब भी आप 3/4 सिलवाते हो, या तो आपको अपनी ब्लाउज के लेंथ एल्बो के ऊपर फिनिश करनी है, या फिर आपको एल्बो के नीचे 2 इंच नीचे फिनिश करनी है, ताकि जब आप जॉइंट करो ना, मतलब इस तरह से हाथ को फोल्ड करो, तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। आप तो जब भी इस तरह का ब्लाउज बनवाते हो, लाइक 3/4 बनवाते हो, तो फिटिंग से हल्का सा आपने कम उसको रखना है। बहुत ज़्यादा जो टाइट फिटेड कपड़े होते हैं, स्पेशली जब आप घर में पहनते हो ना, तो काम करना बहुत अनईजी हो जाता है। ऐसा मेरे साथ होता है। अगर आप कंफर्टेबल हो, आप पहन सकते हो। तो ये बहुत ही छोटा सा टिप मैंने आपको दिया, बट बहुत ही यूजफुल। नेक्स्ट वेरी कॉमन ब्लाउज प्रॉब्लम, ये भी बहुत बार आता है कि हमारे पास कुछ ऐसे ब्लाउजेज है जो बहुत आउट ऑफ ट्रेंड चले गए हैं, अब तो इसका ट्रेंड नहीं, हम उसका क्या करें। शांत दिमाग से आपको, आपके पास जो भी कपड़े, आपको लगता है कि ये कपड़ा भले ही पुराना हो गया, लेकिन मैं उसको बहुत वे में स्टाइल कर सकती हूँ, तो उसके बारे में आपको 10 बार सोचना है, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत की कमाई लगी हुई है। तो एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि कोल्ड शोल्डर, यस, मैंने भी एक वीडियो अपलोड करा था, 3 आउट ऑफ ट्रेंड स्लीव्स डिज़ाइन, तो उसमें से एक कोल्ड शोल्डर भी इन दिनों आउट ऑफ ट्रेंड हो गया। बट आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, आउट ऑफ दिमाग नहीं हो गया, इसको आप बहुत तरीकों से न्यू वे में स्टाइल कर सकते हो, मतलब आप एक नया लुक दे सकते हो। आपके पास कोल्ड शोल्डर का ब्लाउज है या फिर सूट है, कुछ भी है, तो इस तरह की लेसेस बहुत ट्रेंड में है। सिंपली आपको यहाँ पे एक लेस लगा देनी है, जिससे बिल्कुल उसका जो फॉर्म है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दूसरा कि आपके पास अगर कोई बिल्कुल आउट ऑफ ट्रेंड और भी कोई स्लीव डिज़ाइन है, जैसे कटआउट वाले स्लीव डिज़ाइन, वो मुझे कभी पसंद ही नहीं है, बट अगर किसी के पास है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर एक नेक लगवा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं यार। एंड मेरे चैनल पे ही आप पुराने ब्लाउजेस को किस तरह से न्यू लुक दे सकते हो, उसके ऊपर बहुत एटलीस्ट 4-5 तो वीडियो है, तो सबको मैं मतलब ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक करना। छोटे छोटे वेरिएशन करके आपकी जो कॉमन ब्लाउज प्रॉब्लम है, उसको डेफिनेटली आप बहुत ही ईजली, बहुत ही अच्छी तरीके से हाइड कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी होगी, 20 मिनट की वीडियो हुई, आई डोंट नो एडिट करने के बाद कितनी मिनट की होगी, बट आई रियली वॉन्ट टू कवर ऑल द पॉइंट्स। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल या फिर कुछ भी लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यूट्यूब पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा कुछ नया आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। अलग बात है कि जितनी व्यूज़ आने चाहिए, जो मेरे एक्सपेक्टेशन है वो नहीं है, तो प्लीज़ यार जल्दी से 20K की फैमिली बना दो। सब कोई और वीडियो की रिक्वेस्ट है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ। Till then, be healthy, be happy, take care, and bye bye. Love you all.